मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा सिक्स की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 7, 15 अक्टूबर 2020। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर, और इस कक्षा के साथ में अपना सेक्शन और लिख दें ताकि आपके टीचर्स को आसानी रहे। तो आगे अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन, सन्निकटन मीन्स यानी कि उसके नज़दीक वाली संख्या के बारे में होता है कि उस संख्या को उस किसके नज़दीक लिखा जा सकता है। सन्निकटन की समझ हमें होनी चाहिए। बाहुबली की माता जी आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? तो बाहुबली कह रहा है मेरे अनुमान के लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। 40 लोग के आसपास मेरी जन्मदिन में शामिल होंगे। आकलन क्या है? आकलन क्या है? वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या का अनुमान लगाना, आकलन करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आकलन है, यानी कि अनुमान लगाना है। तो यहाँ पर ये आपके लिए पिक्चर भी दिखा रखी है हैप्पी बर्थडे की किसी बच्चे की। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर निकटतम दहाई का आकलन, निकटतम दहाई का आकलन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर संख्या 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा, यानी कि दहाई के निकटतम होगा। एग्जाम्पल, जैसे 12 है तो 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 होगा। जब दहाई में 12 का आकलन करेंगे तो वो कितना होगा? 10। 34 का आकलन करेंगे तो वो दहाई में उसका निकटतम आकलन होगा 30। इसी तरीके से संख्या 5, 6, 7, 8, 9 संख्या 10 के निकटतम कहलाएगी कि निकट संख्या का निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई होगा। तो उदाहरण के तौर पे 16 का निकटतम दहाई का में आकलन करते हैं तो वो 20 के नज़दीक होगा, और 77 का आकलन करते हैं तो वो 80 होगा। निकटतम सैकड़े का आकलन अगर करते हैं, सैकड़े का आकलन करेंगे तो यहाँ पर संख्या 301 से 349 संख्या, जो 301 से 349 संख्या 300 के निकट मानी जाएगी, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 300 होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल 648 अगर लेते हैं, 648 तो ये सैकड़े में अगर हम इसका आकलन कर रहे हैं तो ये 600 के नियरेस्ट माना जाएगा, और 700 अगर 38 है, 738 तो ये 700 के निकट माना जाएगा। अगर 50 है या 50 से ऊपर है तो वो अगली संख्या में माना जाता है। तो यहाँ पर अगला एग्जांपल संख्या 350 से 399 जो संख्या है वो 400 के निकट मानी जाती है। देखो यहाँ पे 301 से 349 तक तो 300 के निकट मानी जा रही है, और 350 से 399 तक वो 400 के निकट मानी जा रही थी। तो इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 होगा। उदाहरण के तौर पर अगर 784 अगर हम कहते हैं तो ये सैकड़े में कहाँ पर है, यानी कि जो सैकड़ा है उसमें इसका आकलन जो माना जाएगा तो किसके नियरेस्ट है, तो वो 800 के नियरेस्ट होगा, यानी कि 800 के नज़दीक होगा। सैकड़े दहाई मीन्स तो यानी कि आपका 10th प्लेस, सैकड़ा मीन्स यानी कि आपका 100th प्लेस, 100th प्लेस के नज़दीक है कौन से में कौन संख्या, तो वहाँ पर ये देखा जाता है। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल इसका 950 का निकटतम सैकड़े में आकलन, 950 का निकटतम सैकड़े में आकलन होगा 1000। तो ये 950 जो है 1000 के निकटतम माना जाएगा। अब यहाँ बात आ रही है हज़ार, निकटतम हज़ार तक आकलन, हज़ार तक यानी कि 1000। तो यहाँ पर संख्या 4001 से 4499 संख्या जो होगी वो 4000 के नज़दीक मानी जाएगी, अगर हज़ार में पूछा जा रहा है तो। इसलिए संख्या का निकटतम हज़ार में आकलन 4000 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5221, 5221 जो है ये किसके नज़दीक मानी जाएगी हज़ार में, ये 5000 के नज़दीक मानी जाएगी। अगला एग्जाम्पल है 7198 जो संख्या है हज़ार में कहाँ पर है, यानी कि किसके निकटतम है, निकटतम नज़दीक है, तो ये 7000 के नज़दीक मानी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल इधर संख्या 4500 से 4999 यानी कि 4500 से 4999 संख्या जो है वो 5000 के निकट मानी जाती है, इसलिए संख्या का निकटतम हज़ार में आकलन 5000 होगा। उदाहरण के तौर पे 5555 का निकटतम, 5555 का निकटतम हज़ार में आकलन 6000 के नज़दीक माना जाएगा।
आगे दूसरा एग्जांपल है 8699 का निकटतम मान ये 9000 के नज़दीक माना जाएगा, हज़ार में जब इसका निकटतम आकलन करते हैं। तो आओ करें, अब इन सवालों को हमें करना है, ऊपर हमने इनको अभी समझा है तो इनके बेस पे ही नीचे तीन सवाल चार सवाल दिए हुए हैं, इनको अब हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई, दहाई के निकटतम बताना है। तो 37 जो है किसके निकटतम होगा, 37 जो है 40 के निकटतम होगा, किसके 40 के, 40 के निकटतम होगा। और 115 किसके निकटतम होगा, 115 की अगर बात कर रहे हैं तो 115 जो है 120 के निकटतम होगा, क्योंकि दहाई में पूछा है। अगर यहाँ 259 की बात करें तो 259 किसके निकटतम होगा, 260 के निकटतम होगा, 260 के निकटतम होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़े तक, अब यहाँ पर सैकड़े के निकटतम हमें बताना है। तो 177 की अगर बात करें तो ये 200 के निकटतम होगा। आगे 547 यहाँ देखिए 47 है, कितना है 47 है, ये डाउन जा रहा है किससे, 50 से डाउन जा रहा है, तो ये नीचे में काउंट होगा, यानी कि 500 में काउंट होगा, यानी कि 500 में काउंट होगा। आगे 1150 किस में होगा, 1150 50 से ऊपर, यानी कि 5 से ऊपर जो संख्या है वो अगले नंबर्स में काउंट होती है, तो ये 1200 में काउंट होगी। आगे दूसरा एग्जांपल है निम्न संख्याओं का निकटतम हज़ार तक आकलन करिए, यहाँ पर हज़ार तक आकलन करना है। तो यहाँ 1377 है, 1377 कहाँ पर माना जाएगा, 377, तो ये अगले नंबर में जा रहा है, तो ये कितने में जा रहा है आपका, कितने में माना जाएगा, ये आपका हज़ार में काउंट कर रहे हैं, 100 में नहीं, हज़ार में काउंट कर रहे हैं, तो ये हज़ार के नज़दीक माना जाएगा, तो ये हज़ार के नज़दीक माना जाएगा। अगला यहाँ पर 9547 है, 547 तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा जो है 10000 के नज़दीक माना जाएगा, कहाँ पर, 10000 के नज़दीक माना जाएगा। आगे यहाँ 10254 है, 10254 500 से कम है, तो इसलिए 10000 के नज़दीक ही माना जाएगा, ठीक है जी। आगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। भाई कितने भी हो सकते हैं, जिस परिवार में यानी कि ज़्यादा सदस्य हैं तो उसमें मेहमान भी उसी के अनुसार आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार, अपने परिवार में विवाह समारोह जो हो रहा है उसके अनुसार आप अपना अंदाज़ा पहले ही लगा लेते हैं कि हमारे कम से कम इतने मेहमान आएंगे। तो सभी के अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई हो सकता है 20 लिखे, कोई 40 लिखे, हो सकता है कोई 100 लिख रहा है, हो सकता है कोई 1000 लिख रहा हो। तो यहाँ पर किसी भी सदस्य का यानी कि किसी भी बच्चे की फैमिली में कितने भी सदस्य हो सकते हैं और उनके कितने मेहमान हैं, कितनी रिश्तेदारियाँ हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है हर अलग अलग परिवार की अलग अलग कंडीशन के बारे में। तो आगे यहाँ पर आपके लिए एक नोटिस दिया जा रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, यहाँ पर आपके लिए पिक्चर भी यहाँ पर दिखा रखी है। तो सभी बच्चे नियमित रूप से हाथों में साबुन और लगाते रहें, यानी साबुन से अपने हाथों को धोते रहें और मास्क लगाते रहें, तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें। और आप बच्चों को मुझे लगता है कि ये वीडियो, ये सवाल समझ में आ चुके हैं, अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस साथ में हम आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।